अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से हैं। एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आज जो वीडियो है ये थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो है। एक हमारे व्यूअर थे अदनान भाई, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि यू नो मैं आई शुड कैप्चर ऑल द डिटेल्स ए टू जेड ऑफ द थिंग्स टू डू व्हेन यू आर प्लानिंग अ रिलोकेशन। सबसे पहला जो टॉपिक है विच इज़ आई थिंक इज़ द मोस्ट बेसिक वन, सबसे इम्पोर्टेंट, वो है फाइनेंस। फाइनेंस से मेरी मुराद ये है कि आप लोगों का ख़र्चा पानी जो है उसके बारे में क्या प्लान है। अब जिस तरह मैं यूके में था एक स्पेसिफिक फील्ड में वो लास्ट 15 इयर्स, और मेरे लिए ये यहाँ की मार्केट जो है काइंड ऑफ आई वाज ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस मार्केट इन द सेंस कि हम इस लाइन कह लें कि मैं जिस तरह की जॉब करता रहा हूँ वो उस तरह की जॉब यहाँ पे एज सच नहीं है। थोड़ी सी लो मेंटेनेंस जॉब्स होती हैं यहाँ पे, या फिर मैनेजरियल रोल्स होते हैं, राइट। तो कमिंग हियर एंड डूइंग अ जॉब ऑफ लुकिंग फॉर अ जॉब वुड हैव बीन ट्रिकी, और वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि आप सब कुछ यू नो अपनी मतलब रनिंग जॉब छोड़ के यहाँ पे आते हैं और फिर जॉब ढूंढते हैं। उसमें गारंटी नहीं होती, उसमें थोड़ा सा सरदर्द भी है, थोड़ा अनसर्टेनिटी भी है, और वो इस मूव को थोड़ा सा सेबोटाज कर सकती है। तो इस वजह से वो स्ट्रेटजी मतलब कम्प्लीटली विद ज़ीरो फाइनेंस सब कुछ बंद करके आ जाना आई डोंट थिंक वुड बी द राइट थिंग टू डू। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया था। मेरा यहाँ पे ये था कि ज़ाहिर है मैंने अपनी मम्मी को सपोर्ट करना था, तो देयर वाज वन ऑफ द रीजंस। बट देन अगेन मेरा जो कंपनी है उसमें मैंने बात की थी, एंड एज आई हैव सेड इन द प्रीवियस वीडियोस एज वेल, मेरा जो मैनेजमेंट थी, मेरा जो यू नो बॉस था, दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड दे और ये कोविड की वजह से इट वॉज काइंड ऑफ प्रूवन के जी रिमोट वर्किंग मेरे जैसे केस में हो सकती है। तो इस वजह से इट वर्क आउट कि दे सर ठीक है आप रिमोटली काम कर लो। अब उसकी जो अरेंजमेंट एक्सेट्रा है वो एक और कहानी है, और वो मैं मेंशन भी कर चुका हूँ अम्ब्रेला वगैरह। इसी तरह मैंने अभी लेटली मेरे कुछ दोस्तों ने कॉन्टैक्ट भी किया है लिंक्डइन पे वाया द यूट्यूब चैनल को देख के, एंड इट्स इंटरेस्टिंग कि उनका भी इसी तरह का है यू नो जर्नी के वहाँ पे जाके अपनी कंपनी के जरिए वहाँ पे ब्रांच खोलना या समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज़ डेफिनेटली अ वे इफ़ यू कैन कन्विंस योर इफ़ यू आर अ बिट हायर अप इन द मैनेजमेंट एंड यू कैन कन्विंस योर यू नो हायर मैनेजमेंट के जी इस तरह कर लें, दैट्स वन वेरी गुड ऑप्शन। उससे रास्ता खुल जाता है, उससे आप आते हो तो यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ आती हैं, आप अपने आप को ना इस्टेब्लिश कर सकते हो ओवर टाइम, लेकिन एटलीस्ट एक एंट्री पॉइंट मिल जाता है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि फाइनेंस क्या होगा, लेट्स अज्यूम आप लोगों ने सॉर्ट आउट किया हुआ है फाइनेंस वगैरह, ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। द सेकेंड थिंग आफ्टर दैट, तो ये तो हो गया ना डिसीजन का, ठीक है, डिसीजन ले लिया, यू नो देयर इज समथिंग दैट विल वर्क आउट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक्स की, ठीक है। सबसे पहले है कार्गो। कार्गो की मेरी एक वीडियो है जिसे आप लोगों ने देखी है, पीडीसी को यूज़ किया था। अभी कार्गो ऑलमोस्ट अनपैक हो गया है, आधा हो गया है, थोड़ा सा आधा रहता है। उसके बाद यू नो वी आर ऑल्सो कैप्चरिंग हाउ वॉज द कार्गो जर्नी, क्या चीज़ टूटी ना टूटी। खैर एनीवेज, पीडीसी यूज़ किया था, एक वही कंपनी थी जो कि स्पॉन्सिव थी। आई वॉज अवे फ्रॉम लंडन, थोड़ा दूर था, इस वजह से मुश्किल हो रहा था उनको इंगेज करना, लेकिन द फैक्ट के पूरा घर शिफ्ट हो रहा था, मतलब काफ़ी चीज़ें थी। सो 1000 pounds वर्थ ऑफ यू नो कार्गो, तो वो आ गए, और वो आके उन्होंने सारा कुछ पैक करवाया, और वो आप मैं आपको बता चुका हूँ, राइट, और मैं जब अनबॉक्स करूँगा तभी आपको पता चलेगा। सो कार्गो इज़ द फर्स्ट थिंग। उसमें प्लानिंग ये है कि आप लोग अपनी ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट नहीं हैं, जो कि कपड़े शपड़े जूते वूते यू नो बाकी डेकोरेशन की ऐसी चीज़ें, इनको प्रॉपरली आप लोग पैक करें, क्योंकि ये लोग चीज़ें सामान बहुत इधर उधर फेंका जाता है, तो डर तो स्ट्रॉन्ग चीज़ें भी टूटने का डर होता है। तो मेक श्योर कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हाई वैल्यू डेलिकेट चीज़ ना हो। अदर देन दैट, जो वैसे ओवर द ईयर्स आपने जमा किया होता सामान, तो वो कार्गो हो सकता है, ठीक है। तो कार्गो इज़ नंबर वन, ठीक है, और वो भी मैंने ट्राई टू मैक्सिमाइज़ कार्गो, इसमें पहले बता चुका हूँ, हमारी फ़्लाइट में बहुत मसला हो गया था। हैंड कैरी मिनिमाइज़ करें, कार्गो मैक्सिमाइज़ करें, कार्गो और होल्ड लगेज मैक्सिमाइज़ करें, हैंड कैरी मिनिमलिस्ट रखें तो बेस्ट है, ठीक है। कार्गो, उसके बाद आपने ज़ाहिर टिकट लेने होंगे, जो है नाइकॉप और वीज़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर लोगों का नाइकॉप एक्सपायर हो चुका होता है, या न्यू बॉर्न, जिसमें मेरे केस में न्यू बॉर्न थी, उसका वीज़ा या नाइकॉप चाहिए था, तो नाइकॉप इज़ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। वो हो तो बेसिकली आपको पाकिस्तान एंट्रेंस का कोई इशू नहीं है, आप पाकिस्तानी सिटीजन होते हो, नहीं हुआ तो रिन्यू कर लें आजकल ऑनलाइन, है नाजरा की जो ग्लोबल वेबसाइट है वहीं से वो लग के आपके घर आ जाता है, ठीक है। मैंने जैसा किया था तो विद इन 10 days आ जाना चाहिए था। उन दिनों थोड़ा सा उनका चल रहा था, ये कॉन्ट्रैक्ट का चक्कर चल रहा था DHL वालों के साथ, नाजरा वालों का, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले था, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर आ गया। तो गिव योरसेल्फ इनफ टाइम टू अरेंज फॉर अ नाइकॉप, ठीक है। और फिर आ गया घर की बात। अब घर में ये है, अगला स्टेप है घर, ठीक है। अब घर का क्या है, घर का बेचना है कि घर को रेंट पे लगाना है।
तो मेरे केस में आई वॉज अ होम ओनर। अगर आप होम ओनर हैं तो ये इन दो में से एक ऑप्शन है, या तो आप बेचेंगे घर या रेंट पे चढ़ाएंगे। जाहिर है मॉर्गेज लगी हुई है, तो अनलेस बहुत ज़्यादा आपका यू कैन अफोर्ड इट, बट आई डोंट थिंक परमानेंटली अगर आप आ रहे हो या फॉर अ फ्यू गुड फ्यू ईयर्स आ रहे हो, तो उसकी अपनी जेब से मॉर्गेज देना वुडन्ट मेक सेंस। तो रेंट और सेल दोनों में फ़ायदे नुकसान हैं। सेल कर लें तो जिस टाइम पे मैंने डिसाइड किया था तो मार्केट जो थी काफ़ी हाई हुई थी। एक हफ्ते के लिए मैंने सेल पे भी लगाया था, लेकिन देन इट टर्नड आउट कि मैंने डिस्कस वगैरह किया और क्रिसमस पीरियड था तो मुझे लग रहा था कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, तो फिर मैंने कहा कि एसेट है तो इन लेट्स कीप इट, ओनली ओनली सेल इट इन केस यहाँ पे मैं फुली सेट हो जाते हैं और फिर फ्यूचर भी आगे नज़र आ रहा है, फिर यहाँ पे घर लेना है, तो यू नो उस केस में थोड़ा सा वहाँ से बेच के ऑफसेट कर लेंगे। तो सेल इन इफ़ यू हैव टू रेंट, अदरवाइज रेंट में भी फिर ये है कि गो फॉर अ गुड एजेंट, ऐसा एजेंट जो प्रोफेशनल हो, ज़्यादा वो इनफॉर्मल ना करे। मैंने जैसे एक और वीडियो में कहा, मेरे मैं थोड़ा गलत हाथ चढ़ गया था, तो इफेक्टिवली बचत होगी। तो अब जो इस एजेंट के साथ हूँ मैं हूँ योर मूव के साथ, बड़े सही हैं वो, तो एटलीस्ट मेरे एरिया वाले। तो आप इंटरव्यू करें, उनको आएँ, वो प्रॉपर्टी देखेंगे, असेस करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। अगर चढ़ाई कर रहे हैं तो उनको आप उन पर थोड़ा सा रोप डालें अपना। अगर वो बिल्कुल बैलेंस हो के आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और प्रोफेशनल लग रहे हैं, दैट्स द राइट राइट पीपल टू डू वर्क विथ, ठीक है। तो रेंट पे आप चढ़ाओगे तो रेंट के लिए आपको चाहिए होंगी चीज़ें। अगर आपका घर बिल्कुल नया है तो सारे सर्टिफिकेट वगैरह मोस्ट लाइकली होंगे। जो तीन चीज़ें मेन चीज़ें चाहिए होती हैं वो होता है EPC, एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट, गैस सर्टिफिकेट और EICR, ये नया है इलेक्ट्रिसिटी सर्टिफिकेट। मेरे केस में EPC था अनदर 5 ईयर्स, गैस का मैंने भी लिया, वो 60 पाउंड में हो जाता है, और EICR जो था वो भी होता 60-70 पाउंड का है। लेकिन मेरे केस में कोई छोटा सा इशू निकल आया था, आई थिंक लाइट जो मैं लगाई हुई थी वो सही तरह अर्थ नहीं हुई थी। बहरहाल वही बात, इंग्लैंड में छोटा सा इशू 300 पाउंड की बाकी पड़ गई। खैर एनी वेज, की तीन सर्टिफिकेट्स आपने लेने पड़ते हैं, ठीक है, टू डू रेंट। ये तीनों आ गए आपके पास, तो उसके अलावा फिर लैंड लॉर्ड इंश्योरेंस आप अरेंज कर लें जस्ट फॉर द पीस ऑफ माइंड, अगर कोई मसला हो जाए तो आप क्लेम कर लें। होम इंश्योरेंस आपके पास ऑलरेडी होगी मोस्ट लाइकली, ठीक है, अगर आप होम ओनर हैं तो। इसका जो लैंड लॉर्ड वर्जन होता है वो लैंड लॉर्ड इंश्योरेंस होती है। मनी सुपर मार्केट से अरेंज कर ली थी मैंने, 430 पाउंड साल का है, ठीक है, इस तरह उसी इतना कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, उसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। मैंने सब कुछ लिया अदर देन इंस्टॉल्ड जो गुड्स नहीं होती ये ओमन शोवन, इनकी प्रोटेक्शन, क्योंकि वो मैंने कहा कि आई विल सॉर्ट इट आउट नीड बाई नीड बेसिस, लेकिन अदर देन दैट फुल कवर है। तो 435 पाउंड तकरीबन है, ठीक है, साल का। तो ये सारी चीज़ होगी तो यू आर रेडी टू रेंट। अब अपने फुली मैनेज में गया हूँ, फुली मैनेज का मकसद है कि आप एजेंट को कहते हो कि मैं ओवरसीज़ हूँगा, आप जो है मेरा घर जो है फुली मैनेज करें। किराएदार नया आए जाए, उसका प्रोसीजर ये होता है कि ये लोग नया जब आता है किराएदार, तो उसके लिए आपकी प्रॉपर्टी रेंट पर एडवर्टीजमेंट पर चढ़ाते हैं, फिर ये लोग चेक्स करते हैं आपको, साथ बताते रहते हैं कि जी पेट्स हैं कि नहीं, आपको कैसा लग रहा है एक्सेट्रा। जनरली उन्हीं पर छोड़ें आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेज करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इट वुड बी गुड टू सी कि वो आपको फीडबैक दे रहे हैं कि नहीं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे दे शुड हैव द अफोर्डेबिलिटी, जो भी आएगा बंदा अफोर्डेबिलिटी टू पे रेंट, ठीक है, और एंड दे शुड ऑल्सो उनकी बैकग्राउंड चेक जो है वो साफ़ होना चाहिए, मतलब प्रीवियस लैंडलॉर्ड उनसे खुश हों, ये सारे चेक कोई भी अच्छा एजेंट करेगा, ठीक है। और उसके बाद जब प्रॉपर्टी लेट पे चढ़ती है तो वो कुछ डिपॉजिट भी रखते हैं साथ, फिर आप इन्वेंट्री आपको करनी पड़ती है, 108 पाउंड तकरीबन लगते हैं इन्वेंट्री के चेक इन के टाइम पर, वो सब कुछ देखते हैं जैसे आपको पता है क्या क्या चीज़ें हैं, किस हालत में हैं, ताकि कल को जब ये जाएंगे ख़राब होती हैं अगर चीज़ें तो ये लोग उनके डिपॉजिट से पैसे काट लें, ठीक है, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो चाबियाँ उनके पास होंगी और वो पीछे से मैनेज करेंगे। मेरा घर जब चढ़ा है तो मुझे दो ऑलरेडी रिक्वेस्ट आ गई थी, एक मेरी फेंस टूटी हुई थी, उन्होंने कहा सही कर दें, मैंने कहा आप कर दो, ठीक है, 280 पाउंड में वो हो गया। वो रेंट से काटते हैं, लेकिन द पॉइंट इज़ के एक तरह से यू हैव टू डू दैट राइट, वरना बाद में इश्यूज़ आ सकते हैं। तो और आपका अपना ही घर है जो कि ठीक हो रहा है, और एक छोटा सा और इशू था ये इस तरह के, तो इस तरह के जस्ट जस्ट बी अवेयर के थोड़े बहुत इशू आ सकते हैं, लेकिन जनरली जब ये चढ़ गया मोमेंटम में आ गया, अगली फैमिली रहना शुरू हो गई तो आप ही का फ़ायदा है, बिकॉज लॉन्ग टर्म दे वुड वांट टू लिव इन द इन अ प्लेस। अगर आप अच्छे लैंडलॉर्ड हो तो और वो अच्छे टेनेंट्स हैं तो डिस रिलेशनशिप कुड बी वेरी हेल्दी। अच्छा, और उसके बाद हाउस का जो प्रोसेस चल रहा है, आपको अपनी मॉर्गेज भी कन्वर्ट करानी है, तो नेक्स्ट स्टेप है ये है कंसेंट टू लेट, ठीक है। कंसेंट टू लेट में होता है कि अगर आप रेजिडेंशियल मॉर्गेज पे हो, जिस तरह आप टिपिकल मॉर्गेज होती है, आपने X% डाउन पेमेंट दी थी, कई साल से आप उसकी किस्तें उतार रहे हो, उसी अरेंजमेंट पे आप बैंक को बताए बगैर अपना घर रेंट पे नहीं चढ़ा सकते, आपको लेनी पड़ती कंसेंट टू लेट। मेरे केस में जो मेरा बैंक था, मैंने उसे कॉल की, ओवर द फोन हो गया, उनको एक्सप्लेन किया, बल्कि वो उन्होंने पूछा भी नहीं कि क्या जा रहे हैं, और आपने सिर्फ कहा कि मैं ओवरसीज़ जा रहा हूँ या आई हैव टू एक्चुअली रिलोकेट, इतनी बात थी बस, बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजन्स, तो मैं अपने घर को रेंट पर चढ़ाना चाहता हूँ। वो फिर देखते हैं, ठीक है, दो तीन चेक्स करते हैं,
और मोस्ट लाइकली कॉन्सेंट्यू लेटर दे देते हैं। मेरे केस में तो इंडेफिनेटली दे दी उन्होंने कि बस जब तक आपकी मर्जी आप रेंट पे चढ़ाएं, ठीक है। एक हफ्ते बाद आपको आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन और उसका होता है कि अभी अच्छा उसका ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि लेट से आपको पता है नॉर्मली दो दो साल की रीमॉर्गेज कराते हैं सब लोग, ठीक है। तो अभी जो आपकी अगली मॉर्गेज है उस पॉइंट तक आपको मिलता है कॉन्सेंट्यू लेंट। लेट सपोज मैंने अभी रीमॉर्गेज कराई थी लेट से लास्ट ईयर और आज मैंने कंटेंस और दो साल की कराई थी और आज कॉन्सेंट्यू लेट मुझे लेना पड़ा, तो मुझे कॉन्सेंट्यू लेट मिलेगा एक साल का, ठीक है, जब तक ये मेरी मॉर्गेज टर्म खत्म होती है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा ये कॉन्सेंट्यू लेट जो है ना ये कंटिन्यू करेगा लेकिन रेट्स जो है ना वो बाय टू लेट मॉर्गेज वाले हो जाएंगे, ठीक है। बाय टू लेट और रेजिडेंशियल मॉर्गेज में रेट्स का फ़र्क होता है थोड़ा सा, आपको पता होगा। लेट से 1.5% अगर एग्जांपल के तौर पे रेजिडेंशियल रेट है, इंटरेस्ट रेट जो होता है जो आप देते हैं मॉर्गेज का, तो बाय टू लेट का 1.8 हो जाएगा, 1.9 हो, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बैंक सिर्फ ये कहता है कि जब ये आपको जब उसको पता चल जाता है कि आपने अब रेट रेंट पे ही रखना है तो वो कहते हैं यार हम रेट अपना थोड़ा सा रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन थोड़ा बहुत ही ध्यान में रखिएगा। तो कॉन्सेंट्यू लेट लेकिन देना ज़रूरी है बिकॉज बैंक कहता है कि वरना वो कब्ज़ा भी कर सकते हैं एक्सेट्रा जो भी है, लेकिन इट्स बेस्ट टू सिंपली कॉल देम अप, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इजाज़त मिल जाती है, ठीक है। और फिर आती है फर्निश अनफर्निश्ड। हमारे केस में हमें हमारा सारा घर तकरीबन खाली करना पड़ा है क्योंकि ज़्यादातर जो है लॉन्ग टर्म लेट जो होता है जो कि हमारे जैसे केसेस में बर्डनेंट होगा आपके हमारे जैसे केसेस में जो कि बाहर जाके रहना चाह रहे हैं पाकिस्तान में तो घर लॉन्ग टर्म के लिए खाली होगा, तो उस केस में फर्निश्ड नहीं अनफर्निश्ड की ज़्यादा स्कोप है क्योंकि जो फैमिलीज आती हैं ज़्यादातर फैमिलीज आएंगी आपके घर में और वो अपना फर्नीचर साथ लाती हैं क्योंकि वो खुद भी रेंट पर रह रही होती हैं पहले से। अगर आपका किसी ऐसे छोटा घर है लेट से वन बेडरूम फ्लैट है, टू बेडरूम फ्लैट है या टू बेडरूम हाउस है किसी टाउन सेंटर के या इंडस्ट्रियल स्टेट के पास है, तब आप फर्निश्ड या सेमी फर्निश्ड भी लगा सकते हैं क्योंकि उस केस में प्रोफेशनल कपल्स हो गए, प्रोफेशनल कोलीग्स हो गए साथ जो दो लोग मिलकर शेयर कर रहे हैं, दे आर द काइंड ऑफ टेनेंट्स जो कि प्रेफर करते हैं कि ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ फर्निश्ड हो। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं, आपके केस में आपको एजेंट अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकता है लेकिन द सूनर यू गेट इट डन द बेटर बिकॉज फिर हमने सब कुछ फेसबुक मार्केट प्लेस पर बेचा, तकरीबन काफ़ी चीज़ें ऑलमोस्ट घर खाली हो गया था, थोड़े बहुत आइटम थे जो कि गैरेज में रख दिए गए या उन्होंने कहा कि चलो आप रख लें कुछ नहीं होता, लेकिन ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ गई गाड़ी बेचना, सेलिंग योर कार, तो वो आपने देखी, वो एक्चुअली मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, वो कार बेचना ज़रूरी है, ज़ाहिर है आपकी कार तो वो बेचें। मैंने पहले एक तकरीबन 6 हफ्ते का ऐड था ऑटो ट्रेडर पे, उस पर कोई रिस्पांस इतना अच्छा नहीं आ रहा था, एक ही बंदा आया था वो भी डील करते करते ब्रेक हो गई, तो अल्टीमेटली मैंने वी बाय एनी कार को बेचा। वी बाय एनी कार जो मार्केट रेट से 600-700 pounds आपको कम देती है तो लेकिन ले देती है, तो मजबूरी के तहत अगर आपको बेचना पड़े तो उनको बेच सकते हैं आप, लेकिन बेस्ट कि अगर आप सफाई सफाई करा के गाड़ी की इन टाइम लगा दें तो बेस्ट। हाँ ये मेरी रिकमेंडेशन है, मुझे उसने भी कहा था, ट्रेडर ने भी कहा था, कार ट्रेडर ने कि अगर गाड़ी साफ़ सुथरी होती अच्छी जगह फ़ोटो खींची होती तो जल्दी निकल जाती, अनफॉर्चुनेट है लेकिन ऐसे है कोई भी चीज़ सेल करने में आपको पील। मैंने तो वैसे गंदी सी गाड़ी हुई थी तो उसको लगा दिया था उसका ऐड बिकॉज आई थॉट कि मर्सिडीज़ का जो शौकीन है वो ये नहीं देखेगा गाड़ी देखने में कैसी है, उसको पता है क्या चीज़ ले रहा है, बट ऐसे नहीं होता। तो हाँ इन गिव योर सेल्फ इनफ टाइम और गाड़ी प्रॉपर साफ धो के ऐड लगाएं ताकि बिक जाए अच्छी कीमत, वरना वी बाय एनी कार भी है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया फिर आपकी जो यूटिलिटीज़ हैं, बिल्स शिल्स काउंसिल स्कूल, डायरेक्ट डेबिट अपने देखें जाके, ठीक है, और जो जो आपके डायरेक्ट डेबिट सेट है ना उससे वन बाय वन आप कॉन्टैक्ट करना शुरू करें। और ये चीज़ जो है ना ये आई डिड इट वन मंथ फ्रॉम टाइम बिकॉज मंथ का जनरली नोटिस होता है ना, ठीक है, तो उस केस में मैंने फिर इंश्योरेंस को कॉन्टैक्ट किया, कार इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये दो चीज़ें, ठीक है, उसके अलावा आपका वाटर वाली कंपनी जो है, ठीक है, फिर हाँ ये चीज़ें थी मेन, आपको पता है डायरेक्ट डेबिट में पता होता है फ़ोन के कॉन्टैक्ट हो गए इक्का दुक्का, तो जो भी इसमें है ना रेगुलर जो जा रहे हैं इस ईयर में आउट गोइंग उनको कॉल करके वन बाय वन आप कैंसिल करें। काउंसिल को बताना ज़रूरी है। अच्छा काउंसिल का बड़ा इंटरेस्टिंग एक रूल है, काउंसिल का रूल ये है कि जी अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है ना, ठीक है, वो अगर 6 महीने आप बताते हो ना हम जा रहे हैं, ठीक है, काउंसिल टैक्सी में बात करने लगूँ, आप कहते हो कि हम लोग जा रहे हैं, तो वो रूल ये है कि अगर 6 महीने तक प्रॉपर्टी आपकी खाली है ना फ्रॉम द डेट यू टेल देम, तो उसके उस तक तो वो एग्जम्पशन दे देते हैं, उसके बाद वो फिर आपसे काउंसिल टैक्स लेना शुरू हो जाएंगे। तो आइडिया इज़ कि अगर आपने घर रखा हुआ है उसको आप रेंट पे चढ़ाएं या बेचें, खाली ना छोड़ें, तो ये बात ध्यान में रखना। खैर एनीवेज अभी तो मेरा तो चढ़ गया रेंट पे और आपका भी इंशाल्लाह चढ़ जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो काउंसिल का ये सीन है। हाँ काउंसिल टैक्स हो गया, बाकी सारे डायरेक्ट डेबिट लिस्ट में देखें जो जो चीज़ें आप करते हैं उनको पे करते हैं उनको कैंसिल करें, उनको नोटिस दे दें, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट दिस इज़ डन लाइक वन मंथ फ्रॉम योर फ्लाइट टाइम, ठीक है। फिर आ गया एच एम आर सी के साथ क्या है,
HMRC आपको पता है टैक्स मैन है यूके का, जो आपसे टैक्स लेता है। अब मेनली तीन फॉर्म है, मेन इंपॉर्टेंट फॉर्म, ठीक है। पहला फॉर्म है P-45। बेशक आप मेरी तरह जैसा जा रहे हैं अपनी कंपनी से इजाज़त लेके, एक्चुअली इनिशियली सोचा ही गया था कि तो बड़ा सिंपल है, बस मैं यहाँ आ जाऊँगा और कंटिन्यू करूँगा, लेकिन जब HR को पता चला तो उसने कहा कि भाई नहीं, ऐसे नहीं होता, ऑफिशियल तरीका होना चाहिए। तो उन्होंने फिर यूके से मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है अपनी कंपनी से, और यहाँ पे एक अम्ब्रेला कंपनी के थ्रू मैं उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन इफेक्टिवली मैं इस कंपनी से नहीं जुड़ा हुआ। तो जब भी यूके में आपकी जॉब ख़त्म होती है, ये वही वाला सिनारी होता है एक तरह से, तो एक फॉर्म होता है P-45 फॉर्म, ठीक है, वो मिलता है। वो आपको बताता है कि इस डेट तक आपने जॉब की है यूके में और आपकी ये है सारी अर्निंग्स और आप इतना टैक्स दिया, ठीक है, ये एक फॉर्म आपको मिलेगा। फिर एक फॉर्म होता है P-85। P-85 फॉर्म होता है, ये लीगल नहीं है, लेकिन अगेन डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेज, अगर आपकी वहाँ पे रनिंग इनकम या बिजनेस वगैरह है या कुछ तरह का सीन है, इट इज़ बेस्ट टू टेल HMRC कि यू हैव गॉन ओवरसीज इन जनरल एज अ पर्सन, ठीक है। तो वो होता है P-85 फॉर्म, या आप ऑनलाइन देखें, ऑनलाइन फिल हो जाता है। उसमें इस तरह के सवाल हैं कि जी आप कब यूके छोड़ के गए या जा रहे हैं, अगले 3 साल तक वापस आएंगे कि नहीं, लेफ्ट राइट, दे हैव टू जस्ट कैलकुलेट कि जी आप पे टैक्स बनता है कि नहीं बनता। रूल ऑफ थंब ये है कि जिस कंट्री में आप रहते हो मोर देन 6 मंथ्स, वो पाकिस्तान हो, दुनिया की कोई भी कंट्री हो, उस कंट्री के आप रेजिडेंट बन जाते हो, तो फिर हर कंट्री के आपस में डबल टैक्सेशन ट्रीटीज है। जैसे हम लोग हैं यूके के नेशनल भी हैं, इधर के भी हैं, हम यहाँ पे आ गए हैं तो हम 6 महीने अगर पाकिस्तान रहते हैं तो हम पाकिस्तान में टैक्स हमें देना हो जाएगा, लाजिम हो जाएगा, यूके में हमारा टैक्स माफ़ हो जाएगा। तो ये फॉर्म इस तरह की बातें क्लेरिफाई करने के लिए, आपने सिर्फ फॉर्म फिल करना है। अगर तो आप समझते हैं कि यूके में आपका कोई और सोर्स ऑफ इनकम है प्रॉपर्टी के अलावा, प्रॉपर्टी में आता हूँ, अलावा अगर और भी कुछ है, ठीक है, सम हाउ यू हैव टू टेल देम कि वी नॉट टू कट टैक्स, आई विल पे टैक्स एल्सवेयर, तो ये बता कर लें। मेरे केस में सिर्फ एक मेरी प्रॉपर्टी है, तो आई एम नॉट श्योर मैं करूँगा कि नहीं करूँगा, लेकिन जस्ट टेलिंग यू ये फॉर्म होता है। अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड तीसरा फॉर्म जो है, तो P-45 हो गया, P-85 हो गया, और एक ये थर्ड फॉर्म है NRL-1, ये है नॉन रेजिडेंट लैंडलॉर्ड फॉर्म। इन लोगों के लिए जो जिस तरह मैं हूँ, अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर चढ़ाई है, NRL-1 का ये सेम मकसद है जिस तरह P-85 है। नॉर्मली ऑफिशियल रूल क्या है कि जब आप ओवरसीज होते हो तो HMRC को आई जस्ट से कि इनकम पे रूल क्या है, अगर आपकी यूके में सैलरी वगैरह है ना, ठीक है, और आप यूके में ही हो तो ज़्यादा ये टैक्स भी यूके में जाएगा, सोर्स से कट के आता है। अब अगर आप ओवरसीज चले गए और आपकी इनकम यूके में आ रही है, तो यूके में आपने टैक्स नहीं देना, आपने इनकम पे टैक्स देना है पाकिस्तान में, लेकिन जो रेंटल इनकम है ना, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी यूके में है, उससे जो आ रही है इनकम, उस पर टैक्स बनता है यूके में ही, इवन दो यू आर इन पाकिस्तान, ठीक है। तो NRL यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है, NRL-1 फॉर्म जो, ये इन ऑर्डर टू गेट टैक्स, HMRC कहती है कि जो एजेंट्स नहीं होते जो आपकी प्रॉपर्टी लेट पर चढ़ाते हैं, या फिर आपके अपने टेनेंट्स, वो ये कहती है कि आप लोग खुद टैक्स काट लें जो रेंट देते हैं उसमें से, और टैक्स आप हमें दे दें, बाद में लैंडलॉर्ड जो है वो क्लेम कर लेगा टैक्स पैक, ठीक है। लेकिन NRL-1 फॉर्म वो फॉर्म है जो कि आप इन एडवांस फिल करके कह सकते हो HMRC को कि मुझसे टैक्स, मेरे एजेंट को बता दो कि टैक्स मत काटना, मैं साल के एंड में जाके खुद टैक्स रिटर्न करूँगा, ठीक है। टैक्स रिटर्न आपने करना ही करना होता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है, जैसे हमारे केस हमें पता है कि जी रेंटल इनकम 12,800 से ऊपर नहीं होगी, हम होंगे ओवरसीज, 12,800 जो है वो आपका यूके का टैक्स फ्री अलाउंस है, तो उसके अंदर अंदर आपको पता टैक्स बनता ही नहीं है। तो अब ये खप हो जाती है कि 20% टैक्स ये लोग काटते रहे पहले, फिर आप बाद में क्लेम करो, आप वहाँ पे हो नहीं, वो चेक भेजेंगे, वो चेक इधर जाएगा उधर जाएगा। तो उस तरह चीज़ बचने के लिए ना, बेस्ट ये है कि NRL-1 फिल कर लिया जाए, ठीक है। अगर तो एजेंट एक्टिवली इस चक्रों में है कि आपका वो टैक्स काटेगा अकॉर्डिंग टू लॉ। अब ऐसे भी होता है कि कुछ एजेंट्स कहते हैं ठीक है आप खुद ही करना, हम बिल्कुल HMRC से कोई ताल्लुक नहीं करते, कुछ एजेंट्स होते हैं जो कहते हैं नहीं जी बाय द बुक हम जाएंगे, तो इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन लेट्स सपोज एवरीथिंग इज़ बाय द बुक, P-45, P-85, NRL-1, ठीक है, ये आपके हो गए फॉर्म। P-45 आपके पास होगा, P-85 और NRL-1 आपने फिल करना होगा। अगर आप NRL-1 उस केस में अगर आप प्रॉपर्टी ओनर हैं, और P-85 उस केस में अगर आप की कोई इनकम वगैरह है यूके में, विच फॉर विच यू डोंट हैव टू पे टैक्स, ठीक है। अच्छा, अब अगला टॉपिक है मेल फॉरवर्डिंग। मेल फॉरवर्डिंग में ये है कि ज़ाहिर है आप वैसे तो जो डायरेक्ट डेबिट वगैरह कैंसिल करेंगे उनके साथ तो काम भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जिस तरह आपकी मेनली एक बैंक स्टेटमेंट्स हो गई और मॉर्गेज हो गई और लैंड और इंश्योरेंस हो गई, ये 3 चीज़ इस तरह की जो कि ना आपके साथ लिंक है यूके में ही, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि आप मेल फॉरवर्डिंग, एक तो उनको आप इंडिविजुअली कॉन्टैक्ट करके भी कह सकते हो, लेकिन फिर उसमें वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाती है यार, अगर मैंने बैंक एड्रेस चेंज करा दिया, क्या मेरा डेबिट कार्ड पे एड्रेस चेंज, यू नो जब आप ऑनलाइन कुछ शॉपिंग वॉपिंग करते हो, तो आई मीन अ सिंपल वे इज़ मेल फॉरवर्डिंग। मेल फॉरवर्डिंग में क्या है कि आप इंटरनेशनल मेल फॉरवर्डिंग भी अरेंज कर सकते हो। इंटरनेशनल मेल फॉरवर्डिंग क्या होती है? इंटरनेशनल मेल फॉरवर्डिंग होती है कि जो भी यूके की पोस्ट है ना आपकी आएगी, वो आपको
इंटरनेशनली राउट होकर पाकिस्तान मिल जाएगी। ये कौन सी कंपनी करती है? ये करती है आपकी रॉयल मेल, ठीक है। उसकी उसकी कॉस्ट क्या है? इट इज़ 260 पाउंड्स अ ईयर, ठीक है। तो इस केस में सारी की सारी यूके की मेल राउट होकर पाकिस्तान आएगी। अब आप कह सकते हो कि यार वो पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी एक्सेट्रा, तो देर इज़ अनदर वे। 68 पाउंड्स में विद इन द यूके आप इसी सर्विस को अवेल करते हुए अपने किसी रिलेटिव की तरफ फॉरवर्ड करवा दें। उनसे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि जी कभी 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 मेरी मेल आया करेगी, मेल खोल के मुझे फ़ोटो भेज देना और फिर देख लेना क्या करना है। अगर कोई रिलेटिव नहीं है तो एक और कंपनी है यूके पोस्टल, यूके पोस्ट बॉक्स करके आप सर्च कीजिएगा उसको। वो एक ही कंपनी है इस तरह की, वो बेसिकली सर्विस देती है 12 पाउंड पर मंथ बेस प्लस 1 पाउंड पर पर्स पे एज यू गो टाइप ही है कि जितने जब आपका लेटर आया उसकी बाहर से फ़ोटो खींच के अगर आपको फ़ोटो हमने भेज दी तो फिर आप बताएं नेक्स्ट स्टेप क्या है। मतलब फ्लेक्सिबल प्लान है। इफेक्टिवली क्या करते हैं आप अपना, आप अपने जो भी फॉरवर्डिंग है ना, अच्छा उस केस में लेकिन सॉरी इशू ये होगा कि आप इंडिविजुअली अपनी जो आपको लगता है कि अगर आपको पता है कि ये लोग मुझे मेल भेजेंगे, आप उनको अपना एड्रेस अपडेट कर दें, एड्रेस देंगे यूके पोस्टल ऑफिस का, उधर वो जाएगी और आपको वो लोग फोटोज़ खींच के बताएंगे आपकी मेल आई है। आप ऐप के ज़रिए मैनेज कर सकते हो भाई इसको हमें फॉरवर्ड करना है, इसको फाड़ के फेंक देना है या क्या सीन है, ठीक है। आई थिंक बेस्ट इज़ कि अगर आपके पास 70 पाउंड वाली ऑप्शन ले लें, अगर कोई रिलेटिव है उसको आगे फॉरवर्ड करा दें, फिर इनिशियली कुछ महीने ऐसे देखें, फिर अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग बन रहा है तो आप पहले तो अगर आपको लगता है उसमें से कुछ कैंसिल कर सकते हैं, आप उनको फ़ोन करके कह दें जो लोग भी मेल भेज रहे हैं कि भाई अब यहाँ पर नहीं रहता, उनको डायरेक्ट एड्रेस अपना अपडेट दे दें, या अगर कोई आ ही नहीं रहा तो बस दैट्स फाइन, ठीक है। बट दैट्स अ वे बाय विच यू कैन मैनेज योर मेल, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली पूछ लीजिए कमेंट में। सॉरी मैं गोइंग थ्रू द लिस्ट एंड आई डोंट वांट टू कीप द वीडियो टू लॉन्ग, वरना बोरिंग भी रहता है तो। बट एनीवेज इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए रिलेवेंट है, यू नो दे विल अंडरस्टैंड। अच्छा फिर आ गया टीवी, एक और इंटरेस्टिंग बात थी टीवी, दो पॉइंट्स रह गए हैं तो अभी ख़त्म हो जाएगी वीडियो। फिर टीवी आ गया था, टीवी में ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था कि जी मैंने टीवी तो भेज दिया फेसबुक मार्केट प्लेस पर, लेकिन वो नेटफ्लिक्स अमेज़ॉन और वो जो था ना वो मैं रीसेट ही करना भूल गया टीवी का ना। तो टीवी वेजन से पहले रीसेट ज़रूर करें, बाद में फिर मुझे जाके ना अपने ऑनलाइन वो नहीं होता लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस वो करना पड़ा, और वो बंदा भी अच्छा था उसे कॉल करेगा यार तुम भी रीसेट कर लो। लेकिन हाँ टीवी रीसेट ज़रूर कीजिएगा भेजने से पहले, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और हाँ ये मेन चीज़ें सारी एक्चुअली मैंने कवर करी, डायरेक्ट डेबिट्स की बात थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। सो दिस इज़ द थिंग, ये ए टू जेड है। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। अगर इसमें से किसी एक टॉपिक पे और डिटेल पूछनी है तो प्लीज़ फील फ्री ऑन द कमेंट्स। आप लोग ऑलरेडी बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग यूके से पाकिस्तान इस तरह का कुछ था नहीं इन्फॉर्मेशन, तो मैंने जो जो एक्सपीरियंस हमने और हमारी फैमिली ने किया है तो हमने कहा चलो शेयर करते हैं, आगे और लोगों को भी फायदा होगा। तो चलें फिर अपना ख्याल रखना एंड स्टे ट्यून फॉर अदर इंटरेस्टिंग स्टफ़। पाकिस्तान में ज़िंदगी कैसे बताएँगे आपको। अल्लाह हाफिज़।